आपका प्यार, आपका उत्साह मेरी सर आंखों पर। लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। आपका प्यार मुझे मंजूर है दोस्तों। अगर आप इजाजत दें तो बोलना शुरू करो। अब इतना प्यार करोगे, इतना प्यार करोगे तो मैं ये शेखावटी में रह जाऊंगा। याद करिए, कांग्रेस के एक नेता ने सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहते हैं, कांग्रेस के और नेता देश की वायुसेना के अध्यक्ष को झूठा कहते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब हमारे सपूत जान हथेली पर रखकर आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं, तो कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं कि आतंकियों की लाशें कहां है। क्या इनका दफन करने के लिए कांग्रेस की तरफ से चंदन भेजने का इरादा है क्या? ये क्या तरीका है? हमारे वीर साथियों के शौर्य पर कांग्रेस को विश्वास ही नहीं है। बालाकोट में भारत ने जो पराक्रम किया वो पाकिस्तान दुनिया में जा जा करके रो रहा है, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। लेकिन कांग्रेस को ये भी मानने का इरादा नहीं है। आप वहां पर वो जो कैमरा वाले हैं सज्जन, वो जो कैमरा वाले हैं, कैमरा नीचे के नीचे उतर जाइए। आप कैमरा वहां बंद कर दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। एयर स्ट्राइक के हर सबूत के लिए कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध करके बैठ गई है, और कांग्रेस का हाल ऐसा है कि इन दिनों उनको दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता है। उन्होंने ऐसे चश्मे पहने हैं कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को हमारे वीर सपूतों का पराक्रम दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस इस बर्ताव पर देश पहले, आप तय कीजिए भाई, मैं अपनी बात करूं या अपने नारे चालू रखेंगे, आप तय कीजिए। आपका प्यार, आपका जुस्सा मेरे सर आंखों पर, लेकिन आप तय करें मैं बोलूं या ना बोलूं।